So question number 2 is, what is Kc for the following reaction in a state of equilibrium? 2SO2 gas plus O2 gas to give 2SO3 gas. Concentrations of SO2, O2 and SO3 are given. So let us solve it. You know, we have to calculate value of Kc. Now, you know, Kc equal to concentration of product to the concentration of reactant. So product is SO3 and how many moles? 2. So SO3 raised to power 2 divided by SO2. First reactant is SO2 raised to power 2, because number of moles of SO2 are 2, and O2 gas. Ab ye to ho gaya iska general formula to calculate Kc. Now just put the values of molar concentration of SO3, molar concentration of SO2, molar concentration of O2, which are given. So SO3 ki value hai 1.90 square divided by SO2 0.6 raised to power 2 into 0.82. अब यहां पे बच्चों का बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सर यहां तक तो कर लेंगे हम, क्योंकि SO3 O2 SO2 सब की वैल्यू दे रखी है, जस्ट रख दो यहां पे, हो गया. बट बोलते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि डेसिमल में है वैल्यूज. आपने 1.90 की पावर 2 किया हुआ है. तो ऐसे केस में सबसे पहला काम ये करो कि सबको इस तरह से लिख लो. अगर 0.6 को, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, 0.6 है तो इसको 6.0 इंटू 10 रेज पर -1 की पावर 2 कर दो. उसको क्या करोगे, 8.2 इंटू 10 रेज पर -1. ठीक है, अब 1.90 की पावर 2 तो ऐसे रहने दो, नीचे 6.0 की पावर 2 इंटू 8.2 इंटू, देखो ये 10 की पावर -1 की पावर 2 है तो 10 की पावर -2 हो गया, और इधर 10 की पावर -1 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो हाँ, -2 यहाँ -1, तो क्या हो गया, 10 की पावर -3. अब मैं क्या करता हूँ, लॉग लेता हूँ. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ केसी, क्योंकि अगर एग्जैक्ट करना है आपको तो आपको लॉग से जाना पड़ेगा. अगर आपको अप्रोक्सीमेट करना है तो इट्स ओके, यू कैन गो लाइक दैट कि सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लो. बट मैं लॉग से इसलिए कर रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा. सो लॉग केसी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1.90 रेज्ड पर 2 ओवर 6.0 रेज्ड पर 2 इंटू 8.2 इंटू 10 रेज पर -3. ये हो गया. अब इसको कर दो लॉग 1.9 रेज पर 2 माइनस, क्योंकि बाकी नीचे है तो ये माइनस होगा, माइनस लॉग ऑफ 6.0 रेज पर 2 माइनस लॉग 8.2 माइनस लॉग ऑफ 10 रेस्ट पर -3. तो ये लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाया हमने, क्योंकि लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू
log A plus log B, log A divided by B is log A minus log B, और log A की पावर n हो तो n log A। तो अब ये फॉर्मूला लगाओ, log 1.9 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू log ऑफ 1.9 माइनस 2 इंटू log ऑफ 6.0 माइनस log ऑफ 8.2 और log a की पावर n, n log a माइनस 3 आगे आएगा तो प्लस 3 log 10, और log 10 कितना होता है 1। तो यहां से 2 इंटू 1.9 का log लेंगे हम। अब 1.9 का log कैसे लेते हैं, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस से पहले कितने डिजिट हैं, ओनली 1, तो 1 माइनस करके लिखना है। मैंने log का दिया भी है वीडियो कि log और एंटी log कैसे निकालते हैं, वापस बता रहा हूं कि जो डेसिमल से आगे जितने नंबर हैं वो काउंट करके माइनस 1 करके यहां लिख दो। तो नंबर थे ओनली 1, तो 0 पॉइंट हो गया। अब नंबर क्या बना, 19, डेसिमल का काम खत्म। 19 के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो मानेंगे 0। तो 19 के 0 के नीचे देखेंगे हम क्या वैल्यू है और वो यहां लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, यहां 19 के 0 के नीचे देखोगे यहां पे 6 आ गए, वो भी 0 पॉइंट आएगा क्योंकि एक ही डिजिट है डेसिमल से पहले। अब इसमें क्या करेंगे, 60, उसके आगे कुछ नहीं है तो फिर 0, तो 60 के 0 के नीचे देखोगे इसमें भी 0 पॉइंट, और 82 के आगे कुछ नहीं है तो 82 के 0 के नीचे देखोगे। तो 19 के 0 के नीचे है 2788, माइनस 2 इंटू 60 के 0 पे है 7782, और 0 पॉइंट होगा 7782 माइनस अगेन 0 पॉइंट, 82 के 0 के नीचे है 9138 प्लस 3, और log 10 होता है 1। सो 2 इंटू 0.2788 ये और ये दोनों प्लस के हैं तो 3.816 प्लस 1 7 हो गया 15, और 2 2 4 और प्लस 1 5। सो 0.5576, सो इट इज 3.5576। अब माइनस वाली टर्म, एक तो 0.9138 है और दूसरी आ जाएगी 2 2 4, 8 2 16 और 1 बचा 7 2 14 और 15 हो गया, 1 7 2 14 और 1 15। सो 1.5564 और 0.9138, 2 0 7 14, सो आया 2.4702। सो माइनस कर दो, ये माइनस का है, माइनस 2.4702
SO2. सो वैल्यू आएगी 4, 7, 8, क्योंकि 15 हो गया, 8, 7, 15, 4 और 0, सो 1.074. तो यह है अपना वैल्यू 1.0874. सो इन लॉग केसी आ गया. नाउ व्हाट इज केसी? सो केसी इज इक्वल टू, ये आया लॉग केसी, तो केसी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0874. सबसे पहले जो डेसिमल से आगे नंबर है वो सीधा 10 की पावर में आ जाएगा, तो 10 की पावर 1. अब 0.08 के 7 के नीचे और 4 का मीन डिफरेंस देखेंगे एंटी लॉग में. सो एंटी लॉग 0.08 पे जाओगे, 0.08 के 7 पे जो वैल्यू है वो है 1222, और 4 का मीन डिफरेंस तो वैल्यू है 1. इसका मतलब ये हो गया 1, 2, 2, 3. तो ये 1, 2, 2, 3 चार डिजिट जो आएंगे उसमें एक नंबर को छोड़ के डेसिमल लगाना है. तो ये वैल्यू आएगी 12.23. सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ केसी, राइट. अब इसका यूनिट क्या होगा? देखो SO3 कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 है, SO2 कॉन्सेंट्रेशन पावर 2, तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट कैंसिल हो गए, बट O2 के यूनिट बच गए. तो इसका मतलब ये होगा पर मोलर, यूनिट क्या होगी? पर मोलर. और इट कैन बी रिटन एज 12.23 लीटर पर मोल, क्योंकि मोल पर लीटर का इन्वर्स, तो लीटर पर मोल. ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का. तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, तो कर लो, नहीं कर सकते तो यूज द लॉग टेबल. दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू द क्वेश्चन. ऐसा हो अगर एग्जाम में आए और आपको लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसको लास्ट में करो, पहले आप बाकी क्वेश्चन कर लो, जो टाइम बचता है इसमें कंज्यूम करो, जो भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें लॉग टेबल यूज करके आपको करना है, या फिर स्टार्टिंग में कर लो, बट देन यू विल फील कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. इसलिए बेटर है कि पहले बाकी क्वेश्चन कर लो थ्योरी वाले, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें कैलकुलेशन टीडीएस है, आपको लगता है कि टीडीएस है, तो उसमें आप लास्ट में जाओ और लॉग टेबल यूज करके करो. और पहले ही जो भी एग्जाम ले रहा है उससे बोल दो कि मुझे लॉग टेबल चाहिए, ठीक है. ऑल द बेस्ट.